नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 27 फरवरी के सुबह 10 बजे से जी हाँ दोस्तों यश में से दुर्लभ संयोगों का निर्माण होगा। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यश में पूर्णिमा का दिन होगा। माघ मास की यह पूर्णिमा तिथि में भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। इसके उपरांत ही दोस्तों इस दिन शनिवार का दिन होगा और इसलिए भगवान शनिदेव की भी कृपा आपके जीवन पर आपको प्राप्त होने वाले हैं और इसलिए दोस्तों यश में बहुत ही दुर्लभ संयोग का भी निर्माण होने जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यह दुर्लभ संयोग आपकी राशि के लिए बहुत ही भाग्यशाली रहने वाले हैं। आपके बहुत से क्षेत्रों में ये दुर्लभ संयोग बहुत ही चमत्कार करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यश में भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी जिनकी की सारी आर्थिक तंगियां खत्म होंगी। आपके पैसे से लेकर जो भी समस्याएं चल रही थी, आपके धन दौलत को लेकर जो भी समस्याएं चल रही थी, जो भी आपके कार्यों में अड़चने आ रही थी पैसों को लेकर, दोस्तों यश में वह सभी समाप्त होंगे और आपकी जो में खुशियों की इनसे प्राप्ति होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में इसमें सभी रुके कार्यों में गति आने वाली है। सभी अटके कार्यों में इसमें आपकी गति आएंगी। जो भी आपके पैसे रुके हुए हैं उन सभी को लेकर जो भी समस्याएं हैं इसमें खत्म होंगी। साथ ही अगर आप कर्ज को लेकर भी परेशान हैं तो दोस्तों यश में आपकी सारी चिंताएं दूर होंगी। आपके जीवन में खुशियों की प्राप्ति स्वयं शनिदेव करने वाले हैं। दोस्तों यूँ कहें तो यश में जो भी दुर्लभ संयोगों का निर्माण होगा आपकी राशि के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं। आपकी राशि के लिए बहुत ही भाग्यशाली रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यश में आपका भी दायित्व, आपका भी कर्तव्य होता है कि इन सभी समयों का सदुपयोग करें। जी हाँ दोस्तों, तो यश में आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि यश में भी ग्रहों के अनुसार आपके जीवन में एक दो ऐसे कार्य होंगे जिन्हें करने से आपको बचना होगा। तो दोस्तों वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, इनमें आप जानने वाले हैं कि यश में आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। शादी दोस्तों यश में इन्हें देवी देवताओं की कृपा से आपके जीवन में क्या चमत्कार होंगे, आपके घर के माहौल में क्या बदलाव होंगे, पारिवारिक जीवन में क्या सुधार होंगी और आपकी आर्थिक तंगियां किस प्रकार खत्म होंगी। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय शनिदेव या फिर जय श्री हरि विष्णु लिखेगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि दोस्तों और ऐसे ही अधिक जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से प्रारंभ होगा। मित्रों या फिर सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होंगी। दोस्तों आपको बता दें कि आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अकेले ही कार्यों को उचित अंजाम यश में देने में सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में दिन के दूसरे पक्ष में सावधान रहने की आपको आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि अचानक कोई मुसीबत आपके सामने खड़ी हो सकती है तथा व्यर्थ के कार्यों में भी कुछ समस्याएं व्यतीत होगा। दोस्तों ध्यान रखें कि कभी कभी अति आत्मविश्वास तथा अहम आपके बनते कार्यों में भी रुकावट डाल सकता है, तो दोस्तों इनसे जरूर सावधान रहें। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों मौज मस्ती की तरफ अधिक ध्यान रहने की वजह से महत्वपूर्ण काम भी पीछे रह सकते हैं। दोस्तों काम संबंधित बातों में आपको अभी रस नहीं आएगा, फिर भी दोस्तों जिन कामों को डेडलाइन आ रही है उन काम की तरफ जो है अवश्य ध्यान देना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि अधिक जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से मन में आपका तनाव बढ़ रहा है जिससे आप बार बार भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दिन की शुरुआत में कुछ मुश्किलें सामने थोड़ी थोड़ी आ सकती है, परंतु दोस्तों आप अपने आत्मविश्वास व फिर दृढ़ निश्चय द्वारा उनका समाधान भी आसानी से ढूंढ लेंगे। दोस्तों धार्मिक कार्यक्रम में जाने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। दोस्तों आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपके व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली यश में बनाने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि अनावश्यक खर्चों की स्थिति यश में बनी रहेगी। अपने बजट का भी आप ध्यान जरूर रखें। दोस्तों किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता यश में रह सकती है। विद्यार्थियों को भी कंप्यूटर संबंधी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अपने दायरे से बाहर निकलकर नए लोगों के साथ संपर्क जोड़ने की आप कोशिश करते रहें। दोस्तों आपको नए मित्र बनाने की अधिक आवश्यकता है, इसलिए दोस्तों केवल खुद के ही विचारों पर रहकर आपको नकारात्मक चीज़ें ही मिलती रहेंगी।
दोस्तों इसके उपरांत आपके आसपास के जो वातावरण है इनमें बदलाव लाने की आपको कोशिश करना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए इसमें होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यशोमय ग्रह गोचर बहुत ही उत्तम समय आपके लिए लेकर आने वाले हैं और दोस्तों आपके आत्मविश्वास और फिर कार्य क्षमता को और अधिक बल दे रहा है। दोस्तों यह ग्रह गोचर आपके लिए भाग्यशाली रहने वाले हैं। दोस्तों यशोमय मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी संभव है तथा किसी सामाजिक उत्सव में भी सम्मानित होने का अवसर भी यशोमय आपको प्राप्त होने वाला है। इसके बाद दोस्तों कभी कभी किसी वजह से आपको अपने ही व्यवहार में लचीलापन बनाकर रखना चाहिए। नजदीकी मित्र या फिर भाई के साथ जो है छोटी सी बात का बड़ा जो कन्फ्यूजन को लेकर खड़ा कर सकता है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि किसी विषय में आपको योग्य मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से आप अपने काम को या फिर अपने विचारों को योग्य दिशा नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों अपने काम के लिए आप दूसरों पर निर्भर ना रहें। किसी विषय में बढ़ रहा कन्फ्यूजन आपको बेचैन बना रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि यशोमय आप काम से संबंधित कोई भी निर्णय ना लें और दोस्तों यदि व्यक्तिगत है तो निर्णय से जुड़े परिणाम का अवलोकन करके ही आगे बढ़ें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे दिन की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगी। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि आपके प्रति कुछ नया करने का जो आपकी इच्छा है यशोमय पूर्ण होगी। भाग्य का सितारा प्रबल है। दोस्तों अपने कार्यों के प्रति आपका उत्साह आपको अवश्य ही सफलता यशोमय दिलाने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों किसी परिजन से मुलाकात भी होगी जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि फिर आपके ऊपर उदासीनता व फिर नकारात्मक विचार हावी हो रहा है। फर्क इतना है कि इस बार आप दोनों बातों के बारे में उचित अधिक जो है जागरूक हैं। इसलिए दोस्तों यशोमय अपने अंदर नकारात्मक विचारों को मिटाने का प्रयत्न आप करते रहेंगे। खुद के अंदर सकारात्मक विचारों को देखने की कोशिश करें और आप अच्छी सफलता को इसमें प्राप्त कर पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय बता दें आपके करियर के लिए जिसमें होंगे। दोस्तों यशोमय व युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे जिससे दोस्तों अधिक आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। यशोमय साझेदारी व्यवसाय संबंधी निर्णय लेना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। दोस्तों मल्टी नेशनल कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति अपने प्रोजेक्ट को यशोमय पूरा करने में ज़्यादा ध्यान दें, ये आपके करियर के लिए यशोमय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों बता दें यशोमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों आयात निर्यात संबंधी व्यवसाय में कुछ नुकसान होने की भी स्थिति बन रही है, इसलिए दोस्तों अभी निवेश ना करें और सावधानी बरतें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। किसी भी व्यवसाय की यात्रा को अभी स्थगित ही रखना आपके लिए उचित होगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी विदेश संबंधी कोई उपलब्धि भी यशोमय हासिल हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे। आपको बता दें कि ग्लैमर या फिर कला सौंदर्य और प्रसाधन आदि से जुड़े जो भी व्यक्ति है उनके व्यवसाय में मन मुताबिक उपलब्धि भी हासिल होंगी, परंतु कर्मचारियों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र अवश्य रखें। यशोमय दोस्तों विदेश संबंधी व्यवसाय में यशोमय कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें यशोमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे। दोस्तों कार्य क्षेत्र में काम का दबदबा बना रहेगा और इनकी वजह से आपके ऊपर थोड़ा सा तनाव भी रह सकता है, लेकिन दोस्तों जल्दी ही इन समस्याओं का निवारण भी हो जाएगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े बिजनेस में भी फायदेमंद स्थितियाँ बन रही है। नौकरी पेशा लोगों को भी पदोन्नति के उचित अवसर भी यशोमय मिलने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों आपको बता दें यशोमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे। विवाहित संबंधों में गलतफहमियों को लेकर कुछ तकरार उत्पन्न हो सकती है। अपने रिश्तों के प्रति जो है ईमानदार रहें, व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूरियां बनाकर ही रखें या फिर इनसे बच कर रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे। आपको बता दें कि पति पत्नी के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से उमंग और खुशी भरा माहौल रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे। दोस्तों यशोमय पति पत्नी के संबंध तो उत्तम रहेंगे ही और आपका घर पर भी और व्यवसाय पर भी उचित सामंजस्य यशोमय बना रहेगा और इनसे दोस्तों आप परिस्थितियों को बेहतर दिशा में ले जाने में भी कामयाब रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि छोटी सी गलतफहमी भी पति पत्नी के संबंधों में तनाव उत्पन्न करेगी, परंतु आपसी सूझबूझ से समस्या हल भी हो जाएगा और दोस्तों उन्हें कोई अच्छा उपहार भी यशोमय देना ना भूलें, ये आपकी लव लाइफ के लिए यशोमय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों किसी समय मानसिक तनाव बढ़ सकता है। शांत रहने का प्रयास करें,
तथा मेडिटेशन में भी कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि एसिडिटी व फिर कब्ज जिससे शिकायत रह सकती है, तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें, ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। स्वास्थ्य अंत में ठीक होगा, परंतु दोस्तों सिर्फ अत्यधिक तनाव के कारणों से आपको अपना बचाव करना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर होंगे और इनसे अपने स्वास्थ्य को आप बहुत अच्छे तरीके से संभाल भी पाएंगे।